एक्सपेरिमेंट्स आपने यहाँ पर इंट्रो में देखा, जो एक्सपेरिमेंट साल्ट वाटर के साथ साल्ट वाटर में इंक डालने पर जो रिएक्शन हुआ, तो देखते हैं कि यह सच में ऐसा रिएक्शन होता है या नहीं, यह एक्सपेरिमेंट फेक है या रियल। तो चलिए इसका प्रॉपरली टेस्ट करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये कटोरी ले लिया हूँ और इसमें मैं ये नमक डाल करके पानी डाल करके इसको मैं घोल दे रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ये साल्ट घुल चुका है, ये साल्ट वाटर बन चुका है और अब मैं यहाँ पर ये पेन ले लिया हूँ। इसकी मैं रिफिल को निकाल करके इसकी मैं इंक को निकालता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले नॉर्मल वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दे रहा हूँ, इसमें मैं इंक को घोल दे रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इंक को डाला है और ये इंक ऊपर ही अटक गई है, ये नीचे नहीं जा रही है। इसमें कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो नॉर्मल वाटर है इसमें कोई अणुओं का रिएक्शन होता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स अब मैं साल्ट वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें मैं साल्ट वाटर डाल दे रहा हूँ और अब मैं इसमें इंक को डाल दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि साल्ट वाटर में इंक डालने के बाद भी इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। दोस्तों वीडियो में जो बताया जाता है कि साल्ट वाटर में इंक डालने पर उसमें रिएक्शन होने लगता है, इंक पूरे पॉट में फैल जाती है, लेकिन वो फेक होता है, वो वीडियो टोटली फेक होता है, टोटली एक्सपेरिमेंट फेल होता है वो। दोस्तों क्या रियल है ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।